आईएएस की परीक्षा तुम्हारे विद्वता की परीक्षा नहीं है, तुम्हारे विजडम की परीक्षा है, विजडम की। राजा अगर अनपढ़ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझदार होना चाहिए। तुमने गोली चलाई, शिकार पे नहीं लगा, तुम्हारे अगल बगल के जो लोग हैं ताली बजा रहे हैं, तुमने पलट के देखा कि क्या बात है, निशाना तो लगा नहीं। इन लोगों ने कहा कि भैया क्या बचा के मारा है, तुम्हारा चपरासी है, तुमने उसके सामने कह दिया कि विराट कोहली बहुत घटिया खेलता है और तुम्हें पता है इसको विराट बहुत पसंद है। वो कह रहा है जी साहब सही कह रहे हैं, बहुत बहुत इसको तो जूते मानना चाहिए साहब। तुम्हारा पढ़ाई का मन ना करे तो कभी कभी ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठ जाएगा। तुमने 21 साल किसी का हुक्म माना और 22वें साल में तुम उससे कह रहे हो कि अब तुम मेरा हुक्म मानोगे, वो मानेगा? विद्रोह कर देगा तुरंत। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान में जो नॉर्थ इंडिया की जो स्थिति है, यहां जो कोचिंग करने लड़का आता है तो सबसे पहले किताबें बहुत खरीदता, बहुत। मैं जितने कमरों पे गया हूं मिलने किसी से तो किताबें बहुत मिली हैं। दिखाते हैं लोग, सर मॉडर्न इंडिया में 6 किताब लाए। 6 किताब लाए हो? हाँ ठीक, अच्छा है। पॉलिटी में भी 5 ले आए हैं सर, तो 11 वैसे ही हो गई। फिर इथिक्स, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ऑप्शनल, कुल मिला के 60-70 किताब हो जाएगी। फिर लाइब्रेरी चलाना। आईएएस की परीक्षा तुम्हारे विद्वता की परीक्षा नहीं है, तुम्हारे विजडम की परीक्षा है, विजडम की। राजा अनपढ़ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, राजा अगर अनपढ़ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझदार होना चाहिए। क्योंकि राजा को पॉलिसी बताएगा कौन? ब्यूरोक्रेसी। तुम राजा हो, सिंहासन में बैठे हो, कौन तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, किसकी औकात है? तुम कानपुर के डीएम हो, कोई तुमसे मिलने आया क्वेश्चन पूछेगा कि भैया उत्तर प्रदेश में कितनी नदियां बहती हैं? राजा से किसी की औकात है क्वेश्चन पूछने की? और मान लो पूछ ही लिया तो दरबार तो है ही है तुम्हारा, दरबारियों से कह दो बीरबल से बता इसको कितनी नदी बता। राजा का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, राजा का समझदार होना जरूरी है। राजा को समझ में आना चाहिए कि कौन मेरा हित सोच रहा है, कौन मेरा बुरा सोच रहा है। ये राजा को अगर वो ना समझ है तो किसको पसंद करेगा? चाटुकारों को। ना समझ लोगों को सबसे ज्यादा कौन पसंद आते हैं? चाटुकार। तुमने गोली चलाई, शिकार पे नहीं लगा, तुम्हारे अगल बगल के जो लोग हैं ताली बजा रहे हैं, तुमने पलट के देखा कि क्या बात है, निशाना तो लगा नहीं। इन लोगों ने कहा कि भैया क्या बचा के मारा है। क्योंकि जब तुम पावर में आते हो तो तुम्हारी कोई बुराई नहीं करता। शक्ति पाने के पीछे जो आकांक्षा है उसके पीछे ये सब रीजन है, तुम्हारा कोई विरोध नहीं करता। तुम्हारा चपरासी है, तुमने उसके सामने कह दिया कि विराट कोहली बहुत घटिया खेलता है और तुम्हें पता है इसको विराट बहुत पसंद है। और वो कह रहा है जी साहब सही कह रहे हैं, बहुत बहुत इसको तो जूते मानना चाहिए साहब। और शक्ति किस चीज का मजा देती है? जो रोटी तुम खाते हो वही तुम्हारा चपरासी भी खाता है। लेकिन वो वैष्णो देवी में 8 घंटे में लाइन से लगा है, तुम वीवीआईपी एंट्री मार रहे हो। तो बैंक का बाबू हॉस्पिटल में पर्ची कटवा रहा है 3 घंटे से, आदमी दर्द से कराहे जा रहा है,
आज के समय में अगर तुम्हारे पास बैकअप नहीं है तो तुम देखो लोगों का ट्रीट व्यवहार देखो कैसा होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ऐसा थोड़ी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सब लोग तुरंत देखने लगते हैं। अगर तुम्हारा बैकअप है कि तुम एडमिट हो गए, बुखार है तुमको हल्का सा, एडमिट हो गए और 7-5-8 लोग तुम्हारे साथ राइफल लेके खड़े हैं, डॉक्टर बैठा रहेगा चेयर लगा के, तुम्हारा कोई आदमी एडमिट है, तुमने कहा डॉक्टर ही मर गया तो साथ में विदा करेंगे तुमको। अरे नहीं साहब, हम अपनी जान निकाल के डाल देंगे। हाँ तुम्हारा गारंटी है डॉक्टर। और शक्ति किस लिए चाहिए? 150 करोड़ लोग इस कंट्री में है, अगर तुम्हारा पढ़ाई का मन ना करे तो कभी कभी ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठ जाया करो। कुछ काम किया करो जैसे ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठ जाओ जाके और यहां से कलकत्ता तक चले जाओ। अगर बच गए थोड़ा चांस कम है, लेकिन मान लो बच गए तो इतना पढ़ोगे बैठ के, 70 की सीटिंग में 800 लोग बैठे, 3-4 हाथ है, 5-6 पैर, उसी में एक सर निकला हुआ है, तुमको मतलब सरकारी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में चले जाएगा, वहां की दशा देख लोगे ना, 3-4 दिन कोमा में रहोगे। जब भी तुम्हारा मन, पहले तो मन के चक्कर में चलो ही मत। आज सुबह मुझसे कार्तिक ने पूछा कि मन चंचल क्यों है। चंचल नहीं है। तुम्हारी उम्र कितनी? 21। अब इनकी उम्र 21 साल। 21 साल इन्होंने सब कुछ मन के कहने पे किया। इमेजिन करके देखो, तुमने 21 साल किसी का हुक्म माना और 22वें साल में तुम उससे कह रहे हो कि अब तुम मेरा हुक्म मानोगे, वो मानेगा? विद्रोह कर देगा तुरंत। इस आदमी ने तुम्हारे ऊपर 21 साल शासन किया है, उसने कहा कि बर्गर खाना है, तुम ले आए बर्गर। इसलिए जब किसी को डायबिटीज हो जाती है तो उसकी जिंदगी नरक हो जाती है। शुगर के पेशेंटों को देखो, और आम तौर पर अमीरों को होती जिनके पास पैसा है, अमीर नहीं मतलब पैसे वाले, अमीर और पैसे वाले दो अलग अलग बातें हैं। इनके पास पैसा है ज्यादातर उन्हीं को होती है, मिठाई दुकान के सामने खड़े हैं, ड्राइवर 2.5 किलो मिठाई खा गया। नहीं, ड्राइवर 2.5 किलो मिठाई खा गया और साहब रोस्टेड पेना खा रहे गाड़ी में बैठ गए। जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे, पहले तो मन कौन होता है तुम्हें चलाने वाला? हम सुबह जा रहे थे, कोई नहीं था सड़क पे, मन कौन होता है तुम्हें चलाने वाला? और अगर कोई तुम्हें चला रहा है तो तुम गुलाम हो, और अगर तुम गुलाम हो तो राजा नहीं बनोगे। कोई माई कलाल, दुनिया में कोई कोचिंग, कोई मोटिवेटर, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई तुमको राजा नहीं बना सकता अगर तुम खुद के ही गुलाम हो तो।